Hey guys, hi. So, The Alienist Season 1. मैंने सीजन टू का भी पहले रिव्यू किया है, उसके फर्स्ट फोर एपिसोड्स के बाद मैंने रिव्यू बनाया था एंड उसके बाद के जो फोर एपिसोड्स थे, टोटल एट एपिसोड का सीजन टू है, दे काइंड ऑफ बिकम प्रेडिक्टेबल एंड नॉट दैट मच फन. बट एलियनिस्ट सीजन 1, इट्स टॉप नॉच एंड इट्स मच मच बेटर देन सीजन 2. आई विल से व्हाई. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है सीजन 2 में, भी ये चीज थी, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, जो कैरेक्टर इंटरेक्शन है वो फैंटास्टिक है. जो डकोटा फैनिंग का कैरेक्टर है, सारा हॉवर्ड का जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, फिर उसके बाद में ल्यूक एवन्स का जो कैरेक्टर है, जॉन मूर का, फिर उसके बाद में डैनियल ब्रूहल जो उनका कैरेक्टर प्ले किया है, इन तीनों कैरेक्टर्स का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ में उनका जो इंटरेक्शन है वो फैंटास्टिक है. बैक टू द स्टोरी, स्टोरीज में ये है कि जो मेल प्रोस्टिट्यूट्स है, चाइल्ड मेल प्रोस्टिट्यूट्स है न्यूयॉर्क में, उनका कोई वन बाय वन किलिंग कर रहा है और वो किलिंग इतनी ब्रूटली कर रहा है कि मतलब उनकी आंखें रिमूव कर देना, फिर उसके बाद में एब्डोमिन के यहाँ पे बड़ा सा स्कार, लेग्स के यहाँ पे बड़े से स्कार एंड कटिंग, एवरीथिंग. सो इस तरह से वेरी ब्रूटल वे में किलिंग हो रहा है मेल प्रोस्टिट्यूट चिल्ड्रंस का. इस सारे एस्पेक्ट में जिस तरह से शो ने फैब्रिकेट किया है, और जो पुलिस है वहां की, जो पुलिस सिस्टम, न्यूयॉर्क की पुलिस सिस्टम है, उनका रोल किस तरह से, फिर उसके बाद में ये जो तीन लोग हैं मिलकर जो केस सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, डैनियल ब्रूहल का जो कैरेक्टर है, फिर उसके बाद में ल्यूक एवन्स का जो कैरेक्टर, फिर उसके बाद में डकोटा फैनिंग का जो कैरेक्टर, ये तीनों मिलके किस तरह से उस केस को सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, उसी के साथ में जो सिटी पुलिस है वो सिटी पुलिस किस तरह से इंटरफेयर करती है. एंड एक सिस्टम है हमारे सोसाइटी में भी कि रिच को फेवर करना, रिच को कवर करना, ऐसी ब्यूरोक्रेसी बन जाती है और वही ब्यूरोक्रेसी उसी चीज को कैरी करती है. तो उसी ब्यूरोक्रेसी को रिफ्लेक्ट किया है पुलिस सिस्टम को वहां पे. एट द सेम टाइम जो एक कमिश्नर है, एक ऑनेस्ट कमिश्नर है, उनके ऊपर टॉप ऑल ऑफ देम जो थियोडोर रूजवेल्ट का कैरेक्टर प्ले किया है जिस एक्टर ने, वो बोलता है कि एट एनी कॉस्ट जो किलिंग हुआ है उसको मुझे सॉल्व करना ही करना है. तो जो सोसाइटी में हम कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं, हमारे आजू बाजू में भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हम देखते हैं, सेम वहां पे प्रेजेंट किए गए. इस शो का और एक अनदर वन प्लस पॉइंट है कि अगर आपको लेट नाइन्टीज देखनी है, तो मतलब बिफोर मोबाइल एंड जो कुछ इन्वेंशन है सारे के सारे उसके पहले का, तो इस शो में इतनी फैंटास्टिकली वो सारी चीजें दिखाई गई हैं, इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. सीजन टू में, सीजन वन में एक मेजर डिफरेंस ये है कि सीजन टू में फिफ्थ एपिसोड तक हमें पता चल जाता है कि जो बच्चों को किडनैप करके किलिंग करने वाला पर्सन कौन है, लेकिन सीजन वन में अप टू द 9th एपिसोड उन्होंने उस चीज को सस्पेंसफुली रखा है. और इस सीरीज का जो कैरेक्टर स्टोरी बिल्डअप है, जिस तरह से चीजें रिवील होती है धीरे धीरे, जिस तरह से चीजें रिवील होती है, इट्स फैंटास्टिक. जो थ्रिल उन्होंने रखा है, ये जो सीरीज है वो सो स्लो पेस्ड सीरीज है, ऐसे कुछ फास्ट नहीं है, स्लो पेस्ड है. इसमें जिस तरह से उन्होंने ईच एंड एवरी क्लू जोड़ा है, मतलब किस तरह से इन्वेस्टिगेशन वो लोग करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कैरी करते टाइम किस तरह से कौन कौन सी चीजें किस किस जगह पे उनको क्लूज मिलते हैं, और जो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन का एक वर्ल्ड दिखाया गया है, उसके सराउंड में रहने वाली सोसाइटी, जो सोसाइटी में जो क्लास रहते हैं उनकी डिफरेंट तरह की लाइफस्टाइल, एक जो पिक्चर पूरा का पूरा कैनवास खड़ा किया है ना इस शो ने, उसके लिए इसको एक अलग ही लेवल मिलती है इस शो को. एंड कंपेयर टू, इसका कंपैरिजन बहुत लोग माइंड हंटर के साथ भी कर रहे हैं. बहुत लोग कह रहे थे कि माइंड हंटर की बहुत सारी कंसेप्ट इसमें मतलब उसके जैसा लगता है, बट माइंड हंटर का एक चीज है, माइंड हंटर का सीजन वन अच्छा था, आई लव दैट शो. सीजन वन, सीजन टू मुझे कुछ इतना ज्यादा नहीं लगा अच्छा, पता नहीं,
इन शोज की एक बात देख रहा हूँ मैं, सीजन वन बहुत ही अच्छा रहता है, सीजन टू में थोड़ा सा मतलब कुछ अलग ही वे में शूट चले जाते हैं। बट तो माइंड हंटर के बारे में, माइंड हंटर में टेक्नोलॉजी है, माइंड हंटर में थोड़ा सा एडवांस वे में दिखाया गया है। एंड माइंड हंटर में क्या है, ये जो किलिंग करने वाले लोग हैं उनका और जो किलिंग हुए उन चीजों का एग्जैक्ट कोरिलेशन इतना क्लेरिफाइड नहीं है, बट इसमें जो इतना ब्रूटली दिखाया है इज फैंटास्टिक। मतलब जो ब्रिज के ऊपर उस बच्चे की डेड बॉडी पड़ी रहती है, उसके जो बॉडी के ऊपर जो स्कार रहते हैं, कटिंग रहते हैं, और उस तरह जो जॉन मुर्गा कैरेक्टर प्लेन किया है लुक एवंस ने, उसको किस तरह से उन सारी चीजों का ड्राइंग वगैरह बनाता है, उस टाइम पे किस तरह से इन्वेस्टिगेशन वगैरह होते थे, एक बहुत क्लियर कट पिक्चर आपको मिलता है। दैट्स द प्लस पॉइंट ऑफ द एलियनिस्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ईच एंड एवरी कैरेक्टर, मतलब जो डैनियल ब्रॉन का कैरेक्टर है, उसके घर में काम करने वाली जो लेडी सर्वेंट है मैरी है, फिर उसके बाद में वहां पे काम करने वाला एक जेंट्स है, उसके बाद में एक छोटा बच्चा भी रहता है उनके साथ, वो ईच एंड एवरी कैरेक्टर एंड फॉरेंसिक्स, या इस केस में जो फॉरेंसिक्स का काम करने वाले, इन्वेस्टिगेशन करने वाले दो ऑफिसर्स है, उनका भी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, इस शो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर कुछ है ना, तो एक भी चीज मिसप्लेस्ड नहीं है, यहां वहां इधर उधर कुछ भी नहीं, इट्स अ परफेक्ट शो। अगर आप फास्ट फास्ट शोज देखना पसंद करते हो तो आपके लिए नहीं है। अगर आप सस्पेंसफुल मिस्ट्री के साथ में रियलिस्टिक एस्पेक्ट पे बात करने वाली ऐसी सीरीज कोई देखना चाहते हो, देन इट्स फॉर यू। ये ऐसा कुछ फास्ट फास्ट फैंसी कुछ नौटंकी कुछ ऐसा कुछ भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एंड विद दैट, ईच एंड एवरी कैरेक्टर ने इतनी एक्टिंग जबरदस्त की है, मतलब वो लोग टोटली उस शेप में आ जाते हैं उस कैरेक्टर के, मतलब इमेजिन करना भी डिफिकल्ट है कि लेट 19 अर्ली 90s में किस तरह से एटमॉस्फेयर हुआ होगा, किस तरह से लोग बात करते होंगे, जो पूरा वर्ल्ड क्रिएट किया ना। ऐसे शोज की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहता है कि ये शोज जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, इट्स अनइमेजिनेबल हाउ दे डू इट, इट्स वन बिग मैजिकल ट्रिक। मतलब सारा का सारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उसके बाद में उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट, फिर उसके बाद में उस कैरेक्टर में घुल जाने की उनकी पूरी की पूरी टेक्निक, ये जो सारी की सारी चीजें है ना, दे आर समथिंग एक्सट्रीमली क्रिएटिव। एंड उसमें एक वन पुलिसमैन का भी कैरेक्टर है, इतना भयंकर डेंजरस एंड थर्ड क्लास पर्सनैलिटी रहता है उस पुलिसमैन का। मतलब ईच एंड एवरी एस्पेक्ट शो में इस तरह से हमें दिखाया गया है कि हमें ऐसा लगता है कि वहां पर जो चीजें चल रही है वो सच में वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और सच में ये लेट 90s है, मतलब एक फील आता है ओके ये हो रहा है। एंड उसी के साथ में एक बिट भी, पूरे सीजन वन में 10 episodes है, मतलब जो एंड में जो किलर का पता चलता है कि एक्चुअल में किलर कौन है, फिर उसके बारे में और एक बीच में ट्विस्ट आ जाता है कि ओके उसके ऊपर डाउट करते हैं, कोई दूसरा पर्सन रहता है उसके ऊपर डाउट करते हैं, ओवरऑल पूरे के पूरे शोज में, पूरे के पूरे 10 episodes में एक बिट भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो मिसप्लेस्ड है, मतलब अननेसेसरी डाल दिया कुछ, विदाउट रीजन डाल दिया, ऐसा ऐसे शोज परफेक्ट ही बनते हैं। मिस्टर रोबोट रहने दो, फिर उसके बाद में क्या नाम है इसका, बोहेमियन रैप्सोडी, रैमी वाली का मिस्टर रोबोट रहने दो, फिर उसके बाद में जो कुछ शोज है, टॉप नॉच शोज है, वो ऐसे ही बनते हैं। एंड अनदर वन प्लस पॉइंट, जो शो एक सिनारियो क्रिएट करता है, मतलब बीजीएम म्यूजिक, इट्स फैंटास्टिक मैन, वंस यू पुट ईयरफोन्स इन यू जस्ट कनेक्ट विद इट। आप एक बार उसके साथ कनेक्ट हो गए ना, उस वर्ल्ड के साथ में, द एलियनिस्ट के वर्ल्ड के साथ में आप एक बार कनेक्ट हो गए ना, देन आप वो पूरी की पूरी सीरीज खत्म करके ही मानोगे। एंड ये जो क्रिएटिविटी है, ये कुछ हैंकी फैंकी फैंसी कुछ भी ट्रेंडी क्रिएटिविटी नहीं है, ये जो क्रिएटिविटी है बहुत ज्यादा इफर्ट्स लेके उन्होंने बनाई है। ये जो क्रिएटिविटी है इसमें बहुत ज्यादा स्मार्टनेस, माइंडफुलनेस एंड अलर्टनेस, सारी चीजों को मिला के रियलिटी में उन्होंने प्रेजेंट किया है सीजन वन ऑफ द एलियनिस्ट। एंड इट्स वन ऑफ द टॉप शो इन माय लिस्ट, वॉचमैन सीजन वन,
द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस रहने दो, फिर उसके बाद में ब्रेकिंग बैड रहने दो, फिर उसके बाद में ट्रू डिटेक्टिव रहे, ट्रू डिटेक्टिव का भी उसमें थोड़ा सा फील आता है, जो डैनियल ब्रॉल का जो कैरेक्टर प्ले किया है, एलियनिस्ट का मेन डॉक्टर क्राइसलर का जो मेन कैरेक्टर प्ले किया है वो भी थोड़ा सा पैसिमिस्ट है। एंड वन थिंग, इसमें एक सोशल एस्पेक्ट के थ्रू सोसाइटी किस तरह से एक ईविल क्रिएट करती है उसके बारे में जो डैनियल ब्रॉल का कैरेक्टर है डॉक्टर क्राइसलर का, वो इतनी इंसाइटफुली बात करता है सारा हॉवर्ड के साथ में, डकोटा फैनिंग का जो कैरेक्टर उसके साथ में इतनी इंसाइटफुली बात करता है। एक पार्क का सीन है, इट्स अ मस्ट वॉच, जो मैंने अपने उसका एक बाइट कट करके मैंने यूट्यूब पे भी डाला है। सो दैट्स इट, दैट्स एलियन इज फॉर यू, इट्स अ होल वर्ल्ड, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सम फैंसी इडियोटिक थिंग, इट्स अ होल डिफरेंट वर्ल्ड क्राफ्टेड वेरी स्मार्टफुली, क्राफ्टेड विथ वेरी मच केयर एंड क्राफ्टेड विथ ऑल हार्ट एंड ऑल एफर्ट्स। दैट्स एलियन इज सीजन वन फॉर मी। सीजन टू फर्स्ट फोर एपिसोड्स एज आई सेड दे आर फैंटास्टिक, बट आफ्टर दैट इट बिकम लिटिल प्रेडिक्टेबल। सीजन टू में डैनियल ब्रॉल का जो कैरेक्टर है उसको जब पता चलता है कि वो किलिंग हो रही है, वो जानने का कोशिश कर रहा है, और इसके लिए जानने की कोशिश करने के लिए जो किलर है, जो लिबी का कैरेक्टर है, वो अवेलेबल है सीजन टू में। लेकिन यहाँ पे एट द एंड ऐसा एंडिंग है कि वो कैरेक्टर ही अवेलेबल नहीं है एंड इट एवरीथिंग स्टॉप्स एट द एंड। मैं एंडिंग नहीं बोलना चाहता बट एट द एंड इट स्टॉप्स एंड दैट्स इट। माय मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स इन दिस सीरीज और ऑल, चाहे वो एक्सट्रीम वियर्ड एंड एक्सट्रीमली करप्ट पुलिस का जो कैरेक्टर प्ले किया है वो एक्टर रहने दो, फिर उसके बाद में डैनियल ब्रॉल का कैरेक्टर, डकोटा फैनिंग इज फैंटास्टिक, लूक एवंस फैंटास्टिक, उसके जो कॉमेडी कॉमिक जो स्टार्टिंग थ्री फोर एपिसोड्स में लिया गया है, जो कुछ कॉमिक टच है लूक एवंस का वो सुपर्ब है, यू विल लव इट। एंड ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक शो, क्लासिक एंड वेरी वेरी पावरफुल शो एंड फैंटास्टिक शो, दैट्स इट। अगर आपने एलियन सीजन 1 देखा तो प्लीज कमेंट करें, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस।